एक तरफ तो इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है जी, ट्विटर का हेड हमारा है, गूगल का हेड हमारा है, जो है वो क्या उसे बोलते हैं, मास्टर जो है उसका हेड हमारा है, फला हेड हमारा है, आईएमएफ में हम आ गए हैं, एक एंगल ये है। और जारी बात है कि इंडिया को वी नीड गुड न्यूज चाहिए होती है कि अच्छी चीज इसे आपके मुल्क का इमेज हो रहा है। लेकिन एक दुनिया एक दूसरा इमेज ये भी है कि ये तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था अगले दिन के तकरीबन 8 लाख के करीब जो इंडियंस हैं उन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी। सो नाउ बिकॉज आपका लॉ है कि आप एक सिटीजन एक शहरी रह सकते हैं। सो हाउ डू यू सी दिस एंड हाउ दिस इज बीइंग व्यूड इन इंडिया? एक तरफ आपकी इज्जत बन रही है कि लोग जो है वो अच्छे बड़े कंपनियों के इंडियंस हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो तो इंडिया को छोड़ रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, अगर आप देखें कि इंडियन बाहर जा रहे हैं, अभी करीब 5 मिलियन का डायस्पोरा यूएस में है। सबसे ज्यादा जो किसी भी कंट्री के सिटीजन जो बाहर हैं, करीब 8 लाख वो इंडियंस हैं, जो वेरियस कंट्रीज में, करीब 120 कंट्रीज में सेटल्ड है। अगर आप रिपैट्रिएशन देखें, जो वो पैसा भेजते हैं इंडिया, हाईएस्ट रिपैट्रिएशन इंडिया आती करीब $100 बिलियन। तो ये एक साइड का, और जहां वो जा रहे हैं नाम अपना ऊंचा कर रहे हैं, देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, ये सब एक साइड ऑफ द स्टोरी है। एंड दे समवेयर डाउन द लाइन आल्सो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स भी बनते हैं। आज सुंदर पिचाई जी लीजिए, आज अग्रवाल साहब की आवाज कीजिए, सत्य नडेला की बात कीजिए, आज आप किसी की भी बात कीजिए, देखिए है तो ब्रांड एम्बेसडर बोलेंगे इंडियन ऑरिजिन का, अच्छे नामों के लिए जाना जाता, किसी बुरे नाम, किसी क्राइम, किसी टेररिस्ट एक्टिविटी, इस सब चीजों के लिए नहीं जाने जाते। ये एक साइड, अच्छा ब्रांड एम्बेसडर है भाई, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मानते रहे कि IIT का नाम जो पूरे दुनिया में हुआ इन लोगों के कारण हुआ है। तो ये एक अच्छा साइड है इस स्टोरी का, मतलब ठीक है, रिपैट्रिएशन आता है, नाम हो रहा है, ब्रांड एम्बेसडर्स का काम करे सर। इसका एक दूसरा साइड भी है। अब मैं जो बोलूंगा, ये मेरी बात चीमा साहब बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेगी जो आज मैं बोलने वाला हूँ, पर आप हम क्या करें, कई बार मीडिया में रह के हमें कुछ अच्छी चीजें बोलनी पड़ती, कुछ नहीं बोलनी पड़ती। देखिए चीमा साहब, एक करीब 1.5-2 साल पहले की बात है, मैं एक इंडियन अपने न्यूज नेशनल न्यूज चैनल पे था, तो वहां एक इंफोसिस के को-फाउंडर भी मेरे साथ थे। उस दिन सत्य नडेला जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया था, माय इंफोसिस शुड बी रन बाय अ बांग्लादेशी मुस्लिम इमिग्रेंट। तो इंफोसिस के को-फाउंडर साहब मेरे साथ बैठे थे, बहुत बड़ा नाम है उनका। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा भाई यहाँ लोगों की कमी है क्या, यहाँ लोगों की कमी है क्या, यहाँ कोई कमी नहीं। इंफोसिस को चलाने वाले ऐसे लोग बैठे जो बहुत स्मार्ट और बहुत बढ़िया चला रहे, हाईली प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के top 10 IT कंपनीज में आती है। तो अब आप ये एंगल कहां से ला रहे, बांग्लादेशी मुस्लिम इमिग्रेंट आके चलाए? और ये जो US में आप गए हो, तो भाई पहले तो आप अपना अमेरिकन पासपोर्ट छोड़ो और यहां आ जाओ। क्योंकि चीमा साहब, मेरा मानना एक चीज बहुत क्लियर और डायरेक्ट बोलूंगा ब्रदर आपको, आप पासपोर्ट दुनिया में कोई भी बदल दे, बदल दीजिए जिस कंट्री का मर्जी, 3 चीजें कभी नहीं बदलती, बाल, चाल और खाल, ये कभी नहीं बदलती आदमी की। दूसरी चीज बताता हूं, पासपोर्ट का रंग बदलेगा, आपकी औकात और खून और DNA भी नहीं बदलता। ये अब आदमी जो अपने पासपोर्ट और दुनिया भर में बहुत बदलते हैं, अपने फायदे के लिए बदलते हैं। अगर आज हम किसी की भी बात करें, इसीलिए मैंने कहा जो मैं बात करूंगा थोड़ी कड़वी होगी, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी, मुझे पता है, पर सच सच है। आज सत्य नडेला जी है इंडियन ऑरिजिन के, बहुत अच्छी बात है, इट्स एडवांटेज टू इंडिया, नॉट गेन टू इंडिया। एडवांटेज का गेन में बदल सकती, नहीं भी बदल सकती। आज वो अमेरिकन है, देखिए उनका पासपोर्ट अमेरिकन है, वो अमेरिकन टैक्स पेयर, वो अमेरिकन कंपनी के लिए काम करते हैं, हाँ हमसे रूट जुड़े, अच्छे काम के लिए जुड़े, इसके लिए हमें, वी आर प्राउड ऑफ इट, इट्स सम एडवांटेजेस। कमला हैरिस के इंडियन रूट्स है, मैडम कमला हैरिस के, इट्स एडवांटेज, बट इट इज नॉट अ गेन। मुझे बताइए, जहां अब हम देश में हर महीने चीमा साहब 2 यूनिकॉर्न ऐड कर रहे हैं, यूनिकॉर्न तो आप जाते हैं, विच इज वैल्यूएशन मोर देन $1 बिलियन से प्लस स्टार्टअप जो आता है, वी आर एडिंग 2 यूनिकॉर्न्स फॉर एवरी मंथ, वी हैव मोर देन 60-70 यूनिकॉर्न्स ऑलरेडी। एंड वे, और बाकी ये तो सिर्फ स्टार्टअप्स की बात करो, एंड द नंबर ऑफ बिलियनर्स वी आर मेकिंग इन अ ईयर, हम बहुत जल्दी चाइना को पीछे छोड़ देंगे, US को पीछे छोड़ देंगे। यहाँ कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, कोई वो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अब वो चूज करता है, जी मैं अमेरिकन पासपोर्ट लेता हूँ और अमेरिका रहता हूँ, तो भाई मेरे हिसाब से चीमा साहब, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, वो अमेरिकन है। आपका ऑरिजिन कोई भी, अगर आप अमेरिका में ऐसे देखने लगे, फिर तो भाई अमेरिकन कोई है ही नहीं, कोई इटालियन, कोई इटली से है, कोई फ्रांस से है, कोई पाकिस्तान से, कोई श्रीलंका से, क्या या तो आप सेकंड थर्ड जनरेशन अमेरिकन हो, वो अभी कोई है नहीं। जो भी इमिग्रेंट है वो कहीं ना कहीं से तो आया है ना, आप उसके तार जोड़ रहे हो, अच्छे हमारे यहाँ से, अच्छी बात है, अच्छा काम करे ये भी अच्छी बात है, पर आज के डेट में वो अमेरिकन है, उनका अमेरिकन इंटरेस्ट है। अभी पराग अग्रवाल जी बने थे जी ट्विटर के CEO,
लोग कह रहे पराग अग्रवाल ये पराग अग्रवाल हो, मैंने कहा भाई वो एक अमेरिकन कंपनी के लिए काम करते हैं आज की डेट में, वो पहले उस अमेरिकन कंपनी का एड्रेस देखेंगे, उनका पासपोर्ट अमेरिकन है, अगर आपका पासपोर्ट इंडियन है चीमा साहब तो मैं गर्व करूंगा, मैं आपको सलाम करूंगा। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं 80 कंट्री से ज्यादा घूम चुका हूँ सर, मैं 2 साल यूएस में था, 2 साल यूरोप में था, 8 साल सिंगापुर में था, मैंने कभी पासपोर्ट नहीं बदला साहब, मेरे 11 पासपोर्ट भरे मोहरे लग लग के, मेरे पास ऑप्शन था यूएस में बदलने का, सिंगापुर में, यूरोप में, मैंने कहा नहीं मुझे पासपोर्ट नहीं बदलना, मुझे इंडिया आना। एक बार एक जापानी मुझे पूछते विच इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लिव, मैंने कहा फॉर मी इट इज इंडिया, फॉर मी इट इज इंडिया, मेरे लिए भाई इंडिया है, मैं जीना यहाँ मरना यहाँ, इसकी मिट्टी से होगा उसी की मिट्टी में जाऊंगा, मुझे कोई बहुत शौक है। अगर आज मैंने पासपोर्ट बदला होता तो मैं आपके साथ ये बात नहीं कर रहा होता, समझ रहे ना आप। तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज की कमी कहीं ना, अब किसी को लगता है भाई वो बाहर जाए उसका अपना बेटर फ्यूचर है, उसको वहां की सड़कें गलियां वो माउंटेन ज्यादा पसंद आती है, तो उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी वो है। अगर बाहर है और उनका पासपोर्ट इंडियन है तो वो आपके आप मेरी तरह 100% इंडियन, अगर जिस दिन उन्होंने पासपोर्ट बदला, जिस कंट्री का पासपोर्ट लिया उस दिन के नेशनल हो गए, इंडियन ऑरिजिन है, इंडियन रूट है, अच्छी बात है, पर ही इज अमेरिकन, ही इज अ फ्रेंच, ही इज अ ब्रिटिश और व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट। आई हैव वेरी क्लैरिटी ऑन दिस सर, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, क्योंकि आज के डेट में जिस कंट्री का 700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो और IMF कहता फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर ट्राइड है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं। जहां हम 2 यूनिकॉर्न महीने में बनाते हैं, आप आइए बनाइए ना यूनिकॉर्न, या आप आइए मेरे कंधे से कंधा मिला के बनाइए, 4 बना देंगे, 6 बना देंगे भाई, यहाँ क्या नहीं है चीमा साहब, आज यहाँ बताइए यहाँ क्या नहीं है। 20 साल पहले की बात नहीं करता, 20 साल पहले स्थिति दूसरी थी, यहाँ आज के डेट में क्या नहीं है, क्या कमी है यहाँ पे। हाँ एक समस्या, आप मैं तो ये भी कहूंगा, आप एक सब्सिडाइज एजुकेशन लेते हैं, IITs में फीस कुछ भी नहीं होती, अगर एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से आप कंपेयर करें फीस कुछ नहीं, पीनट्स भी नहीं है, आप पढ़ते हैं लिखते ठीक है, बाहर जाते हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप बाहर जाए पैसा कमाए, यहाँ देश को चलाए ना, एक टाइम बाद देश को बढ़ाए, हमें भी आगे बढ़ाए, जो आज 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी इसको 30 ट्रिलियन बनाने में मदद कीजिए। मैं आपको एक और किस्सा बताऊंगा, मैं यूएस में काम करता था सर, मेरे साथ के जितने थे ना चीमा साहब, ये सारे मैं पहले कंपनी में था, नाम बोलना ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला यार हम सबमरीन ऑप्स हैं, ये सबमरीन ऑप्स, सबमरीन ऑप्स, सबमरीन ऑप्स, तो मैंने वीपी इंजीनियरिंग वो भी सबमरीन ऑप्स, मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा यार ये सबमरीन ऑप्स वालों को क्या खास लेते हो यहाँ पे, यहाँ कहानी क्या, सारे सबमरीन ऑप्स के हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, ये यूएस की बात कर रहा हूँ, वॉशिंगटन में, उन्होंने बोला बोला कि देखो हमारे यहाँ जो बैचलर्स है, मतलब ना बैचलर्स ऑफ जो डिग्री है, कह रहा वो इतनी महंगी हम अफोर्ड नहीं कर पाते, हम एक यूएस नेवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं 10 साल का, हमें यूएस गवर्नमेंट बैचलर्स कराता है इंजीनियरिंग, पर 10 साल हमें सबमरीन में बिताने होते हैं, मेटेलिक ट्यूब में, ये पता नहीं अभी कहाँ है, कभी ऊपर आएगी नहीं आएगी, 10 साल बाद हम फारिग होते फ्री होते तब हम कमर्शियल वर्ल्ड में जाते, इसीलिए जो तुझे सारे दिख रहे हैं सबमरीन ऑप्स वाले दिख रहे हैं, क्योंकि लाखों डॉलर लगती है ग्रेजुएशन करने में, मैं तो खुद कॉर्नल से पढ़ा, मैं कॉर्नल एलुमनाई, कहते हैं लाखों डॉलर लगती है जी ग्रेजुएशन करने में, हमारे पास पैसे नहीं। और यहाँ देखे, यहाँ तो सर चेन्नई के भाव में ग्रेजुएशन होती है आज के डेट में भी, सरकारी या IIT या गवर्नमेंट कॉलेजों में, और बहुत बढ़िया एजुकेशन है, IIT का लोहा तो दुनिया मानती है। दूसरा किस्सा बताऊंगा, मैं साइप्रस में काम करता था तो मैंने देखा जो मेरे यूक्रेनी है, सारे यूक्रेनी काफी इंजीनियर थे, सबके पास चीमा साहब PhD था इकोनॉमिक्स में, मैं कहा भाई तू PhD इकोनॉमिक्स का कर, वो कंप्यूटर कैसे चला रहा भाई, सारे इकोनॉमिक्स में PhD, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये मुझे जरा बताओ यार, मैं आज तक नहीं देखा यार इकोनॉमिक्स वाला कंप्यूटर इंजीनियर, रडार इंजीनियर, ये भाई क्या क्या माजरा है। उन्होंने मुझे बोला बोला जब सोवियत यूनियन थी तो सोवियत यूनियन डिसाइड करती थी यूक्रेन पढ़ेगा केमिस्ट्री, आर्मेनिया पढ़ेगा बायोलॉजी, और ये पढ़ेंगे जूलॉजी, तो इसलिए जो हम जितने भी ये यूक्रेन के, ये सब आपको बाय डिफॉल्ट इकोनॉमिक्स पढ़े ही मिलेंगे, क्योंकि ये USSR डिसाइड करता था, और इतना पोस्ट कार्ड जितनी ना ये आइडेंटिटी कार्ड होता चीमा साहब, उतनी उनकी सर्टिफिकेट होती थी PhD की, दुनिया में कहीं नहीं चलती थी यूरेशिया को छोड़ के। कह रहे मैंने कंप्यूटर कैसे सीखा, कहता खुद, मैंने कहा नॉलेज कैसे, कहता खुद, क्यों सीखा, इंटरेस्ट है, क्यों सीखा, नौकरी करनी है, वैसे वो डॉक्टर इकोनॉमिक्स का पर चला रहा कंप्यूटर। अगर मैं उस हिसाब से देखूं सर, हमारे यहाँ इवन आपके यहाँ भी अब भी पढ़ाई लिखाई जो है ना फ्री में है, चेन्नई के मिलती है यहाँ पे, और हमें ना शुक्रगुजार होना चाहिए उस भगवान का कि जिस कारण हमें यहाँ, अब हमें यहाँ 10 साल आपको और मेरे को बिताने पड़ते ना सबमरीन में दुनिया के किसी कोने में, तब जाके एक इंजीनियरिंग होती तो तब वैल्यू पता।